पे, जैसे पुलवामा में एक बीएसएफ के जवानों पर हमला हुआ है जिसमें 40 जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज़ें उठ रही हैं। इस वक्त देखिए हम कप परेड पर हैं जहाँ एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त हर पार्टी अपने अपने गुस्से का इजहार अपने अपने तरीके से कर रही है, और जो है हम बात करेंगे यहाँ के जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हाँ मैं पीछे से बोलूँगा चलेगा, तुम देख लो जाओ। गलत ले रहा है, उसको आ रहा ही नहीं है, अपने भूम में लगे ले रहा है। थोड़ा देर लग सकते, 5 मिनट 2 मिनट फोटो लिया सर। कि जो शहीद हुए हैं उन लोगों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद हुए लोगों की पिक्चर यहाँ पे, जिनको लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एक पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है वो आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है पूरे मुंबई की पब्लिक यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी है, पूरे कैंडल जला करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ इस वक्त आप नहीं बता सकते कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बस लग रहा है कि एक इंसान है और इंसान इंसान के लिए प्यार मोहब्बत दिल में लेकर के यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उम्र पड़ी होती है। न कोई सियासी पार्टी है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिखाई है, बस लग रहा है कि एक इंसान है और इंसान इंसान के लिए मोहब्बत का एक जज्बा लेकर के यहाँ श्रद्धांजलि दे रहा है। गेट ऑफ इंडिया पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख कोई ईसाई नहीं, बस एक इंसान इंसान के लिए मोहब्बत लेकर के यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आया है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी जो पॉलिटिकल कैंडिडेट हैं वो भी इस वक्त जो है किसी लग रहा नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ मोहब्बत का जज्बा लेकर के यहाँ श्रद्धांजलि देना आया है, जिसमें हम बात करेंगे भाई जगताप जी से जी।
ये हिंदुस्तान के आवाम है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान के आवाम है। और हिंदुस्तान के आवाम उन दहशतगर्दों को भी मैसेज देना चाहती है, हम जरा भी हिलेंगे नहीं, हम डट के खड़े रहेंगे। और जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति ये सद्भावना हम लोग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। और कुछ भी नहीं है इसमें किसी प्रकार का, आपने किसी पार्टी का झंडा देखा नहीं, कोई इस वक्त कोई सब जितनी पार्टी है, देश की आवाम है। और देश की आवाम देश का देश के हिफाजत के लिए जो लड़ रहे हैं वहाँ सरहद पे, उन्होंने हमारे लिए जान दी है, उन्होंने हमारे लिए शहादत उन्हें हासिल हुई है, उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा है। अब अभी अभी एक न्यूज़ ऐसी है, और एक धमाका हुआ है और उसमें एक हमारी सेना का, इंडियन आर्मी का एक मेजर इसमें शहीद हुआ है। मैं रजौरी में, मैं सबसे पहले इस घटना का भी तीव्र शब्दों में बहुत निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और ये बुजदिलों का काम है कि इस तरह से चोरी छुपे आके हिंदुस्तान के आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के आवाम के ऊपर आघात कर रहे हैं। उन्हें हम बताना चाहते हैं ये ऐसी घटनाओं से हिंदुस्तानी डरने वाला नहीं, हिंदुस्तानी घर में बैठने वाला नहीं। कल का मैं वाक्य आपको बता दूं, कल मोहम्मद अली रोड पे सारा मुस्लिम आवाम रास्ते पे आई, तिरंगा लेके पाकिस्तान मुर्दाबाद गई, पाकिस्तान का झंडा जलाया। ये जज्बा है, ये हिंदुस्तानी आवाम का जज्बा है। और इसलिए ऐसे दहशतगर्दी जो भी है जिस ढंग से कर रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए। और सरकार ने इसकी हाँ भरी है, सरकार ने इस बारे में कहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि सरकार जो करेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम इसमें राजनीति किसी भी प्रकार की कदम से कदम मिला करके चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। और देश के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, जितने भी हमारे, चाहे हमारी पुलिस हो, क्योंकि पुलिस ने भी यहाँ शहादत दी है। जी जी, यहाँ मुंबई में सबसे ज़्यादा 26/11 में पुलिस ने भी शहादत दी है। हम उनके साथ डट के खड़े हैं, हम उनके परिवार के साथ डट के खड़े, एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए उनके साथ हम खड़े हैं। देखिए, जब भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई बुरी नज़र उठा करके देखेगा तो इसी तरह का आपको एक यकजहती का पैगाम मिलेगा, जहां फिर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, सिर्फ एक हिंदुस्तानी नज़र आएंगे, कोई कांग्रेस नहीं, कोई समाजवादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ एक इंसान और इंसान ही नज़र आएंगे। और भाई, कोई नारा नहीं लगाना, हम अगर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।